आजकल हीटर से लाइट मारने की जो काफी ज्यादा समस्या आ गई है, जो कि काफी लोगों को लाइट मार देता है हीटर से, तो इस दिक्कत क्यों लाइट मारता है और कैसे उससे बच सकते हैं, इसके बारे में हम आज समझेंगे और उससे क्या क्या कैसे बच सकते हैं इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, और क्यों मारता है ये भी मैं बताऊंगा। जब आप कोई हीटर लेने जाते हैं तो हम देखते हैं नॉर्मली जो हीटर आप लोग परचेज करते हैं, तो वो कई हीटर होते हैं जिनके आउटर बॉडी जो कि बॉडी जो होता है वो लोहे का होता है। दूसरा ये दिक्कत होता है कि वो सरकार द्वारा प्रमाणित नहीं होता है या कोई किसी संस्था द्वारा प्रमाणित नहीं होता है, तो इसकी वजह से वो इस हीटर को काफ़ी लापरवाही से बनाते हैं, जिसकी वजह से आपको लाइट मारने का खतरा हो जाता है। अगर वो किसी भी संस्था या गवर्नमेंट के द्वारा प्रमाणित रहता है तो वो ये चीज़ों का ध्यान रखते हैं। जब भी आप कोई भी नया हीटर खरीदते हैं तो उसमें दो या तीन चीज़ें चेक कर सकते हैं। जब भी आप हीटर खरीदते हैं तो उसमें एक देख लीजिए कि वो गवर्नमेंट के द्वारा प्रमाणित हो या ना हो, प्रमाणित है कि नहीं, जो कि सरकार के कई संस्थान होते हैं वो इस चीज़ों को प्रमाणित करते हैं। दूसरा ये दिक्कत आता है कि जब भी हम कोई हीटर खरीदते हैं तो उसमें हमें लोहे की बॉडी देख के हम सोचते हैं कि मजबूत होगी, तो ऐसी बात नहीं है। आपको बॉडी देखना चाहिए कि प्लास्टिक की बॉडी है कि नहीं है। ये अगर प्लास्टिक की बॉडी है तो आप जरूर उसको बाय करने में प्रेफरेंस दीजिए और गवर्नमेंट के द्वारा प्रमाणित भी हो, ये भी ध्यान रखिए। और उसकी जो जाली है वहाँ तक आपकी उंगली कोई जालीदार, जैसे इसमें देखा होगा या आपने काफ़ी सामने जालीदार है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए किसी भी हीटर को खरीदते समय, और इन चीज़ों का ध्यान रख के आप एक अच्छे हीटर को खरीद सकते हैं। तो ये रहा आज का वीडियो, तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।